हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 है। इसका क्वेश्चन नंबर 3rd के 2 पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं और बाकी के जो 3 पार्ट है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना एंड तक, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd को सॉल्व करना। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 3rd का जो 3rd पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले एक बार आज दोबारा से आपको क्वेश्चन नंबर 3rd को समझा देता हूं कि हमारे पास एपी दे रखी है और हमने क्या निकालना है, जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एपी ये गिवन है और मिसिंग टर्म A2 हमको फाइंड करना है और A3 हमको फाइंड करना है। तो दैट मींस जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो जो मिसिंग टर्म हमको दिखेगा, यानी कि जो जो ब्लैंक बॉक्स दिखेगा, उसमें आपको क्या निकालना है, वो वाला टर्म निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड हमको फाइंड करना है, थर्ड भी फाइंड करना है और फोर्थ गिवन है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका, सबसे पहले गिवन क्या है, क्या है हमारे पास, A1 दे रखा है 5 एंड A4 यानी कि फोर्थ वाला टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म दे रखा है हमारे पास 9 इज होल नंबर ऑफ 1/2। ठीक है, अब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 9 टू जा 18 और 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19/2। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ वाला टर्म है वो ये वाला है। अब इसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म गिवन है, an का मतलब होता है हमारे पास जो लास्ट वाला टर्म होता है वो होता है हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, फोर्थ। तो यहां लिख देंगे A4 इज इक्वल टू, a का मतलब है फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n कितना है, यहां पर an, n की जगह हमने कितना पुट किया है 4, तो यहां भी n की जगह हमें 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है, तो d हमारा एज इट इज ही रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A4 की वैल्यू कितनी है, A4 यानी कि फोर्थ वाला टर्म है हमारे पास 19/2। ठीक है, दूसरी चीज 5 प्लस 4 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और ये जो d है, d की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो ये बन जाएगा आपका 3d। ठीक है, अब हमें d फाइंड करना है तो d को यहीं रहने देंगे, इस नंबर को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3d इज इक्वल टू 19/2, ये हमारा इज इक्वल टू के इधर ही रहेगा, इसको इधर भेज देंगे तो -5। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3d इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 1 2, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19 1 19 माइनस 2 5 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/2, क्योंकि 19 में 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 और अपॉन में कितना है 2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d को यही रहने देंगे और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 और ये अपॉन में चला जाएगा तो -3। इस 3 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 3 3 9, तो दैट मींस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3/2। ठीक है, अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, d की वैल्यू आई है 3/2। अब जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म के लिए क्या होगा, सेकंड टर्म के लिए होगा यानी कि A2 के लिए होता है, फर्स्ट टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं तो सेकंड टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 5 प्लस कॉमन डिफरेंस है 3/2, ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो अपॉन में 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा 2 ही आएगा और फिर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 3 1 जा 3, यानी कि आ जाएगा 13/2। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, A3 थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो A3 के लिए होता है हमारे पास A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, A2 कितना है हमारे पास, A2 आया अभी जस्ट हमने फाइंड किया है 13/2 प्लस कॉमन डिफरेंस, ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तो हमारा 2 ही आएगा, 2 की टेबल में 2 कितना टाइम आता है,
वन टाइम उस वन की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, प्लस टू की टेबल में टू कितना टाइम आएगा, वन टाइम उस वन की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 अपॉन 2। 2 की टेबल से 16 कितना टाइम कैंसिल होता है, 8 टाइम, तो 8 आ जाएगा। तो दैट मींस जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 8, और जो सेकंड टर्म होगा वो कितना होगा, 13/2। दो चीजें हमको फाइंड करनी थी, ये आपका सेकंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे पास थर्ड पार्ट था उसको हमने फाइंड कर लिया था, जो मिसिंग टर्म था वो हमने फाइंड कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -4, और फोर टर्म्स हमें फाइंड करने हैं जो मिसिंग है, और सिक्स टर्म हमारे पास गिवन है। तो जो जो गिवन है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहां पर फर्स्ट टर्म दे रखा हमारे पास, यानी कि ए दे रखा है -4, एंड हमारे पास जो ए सिक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जब गिवन होता है तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, वहां से हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन, ए एन का मतलब है जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 6 वाला टर्म है, तो ये हो जाएगा ए सिक्स इज इक्वल टू, ए क्या है फर्स्ट टर्म, तो -4 प्लस एन कितना है, 6 टर्म है लास्ट वाला, तो 6 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ए सिक्स हमारे पास कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो -4 प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d हो जाएगा, और इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू इसको आगे ही लगा लेते हैं, इज इक्वल टू ए सिक्स कितना है हमारे पास, 6 गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 4 है इसको इज इक्वल टू इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, या माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारे पास d। अब 6 में जो है 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, तो 5d इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। d की वैल्यू फाइंड करनी है तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, और 5 यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां के अपॉन में चला जाएगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 10, तो d कितना आया हमारे पास, 2। तो दैट मींस कॉमन डिफरेंस जब हमें फाइंड हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, ये नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो ए टू के लिए क्या होता है, ए वन प्लस कॉमन डिफरेंस, ए वन कितना है हमारे पास, ए वन है -4 और कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस का माइनस तो सबस्ट्रैक्ट होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन सिंबल आएगा हमारे पास बड़े डिजिट का। ए थ्री क्या हो जाएगा, ए टू प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 0। ए फोर फाइंड करना है, ए फोर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए थ्री प्लस कॉमन डिफरेंस, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2, एंड ए फाइव आ जाएगा हमारे पास, ए फाइव कितना, 2 और प्लस हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि ए फोर कितना आया है, 2, तो 2 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो हमको 2, 3 एंड 4 एंड फिफ्थ वाला टर्म हमको फाइंड करना था, जो मिसिंग टर्म थे वो हमने फाइंड कर लिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे पास फोर्थ पार्ट था उसको भी हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है, सेकंड टर्म गिवन है, और नेक्स्ट अदर जो 3 टर्म है वो भी मिसिंग है, और लास्ट टर्म दे रखे हैं। तो टोटल टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 टर्म दे रखे हैं हमारे पास एपी में। तो गिवन क्या क्या है, ए टू दे रखा है 38, एंड ए सिक्स दे रखा है हमारे पास -22। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कॉमन डिफरेंस डी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सेकेंड टर्म हमारे पास गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, ए टू इज इक्वल टू, ए हमारे पास दिया हुआ नहीं है तो ए एज इट इज ही रहेगा। अब एन की जगह हमने यहां पर क्या पुट किया है, 2, तो यहां भी क्या पुट करना पड़ेगा, 2 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड करना है। दूसरी चीज, ए टू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 38 इज इक्वल टू ए प्लस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और d की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो d बन जा d आ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, किसी भी डिजिट की अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज वही डिजिट हमारे पास आती है। अब हमें फर्स्ट टर्म यहां से फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस डी। ठीक है, क्योंकि d को अगर इज इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 38 माइनस डी हो जाएगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी चीज, हमारे पास क्या गिवन है, ए सिक्स, अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे पुट कर देंगे, ए प्लस
हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 1 × d, क्योंकि n की जगह क्या पुट किया है 6, तो यहां भी 6 पुट करना पड़ेगा आपको। तो a6 कितना दिया हुआ है -22 इज इक्वल टू a प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 और d की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d बन जाएगा हमारे पास। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो a है हमारे पास, a की वैल्यू हम पहले ही इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड कर चुके हैं, तो उसके लिए यहां पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, इसको बना लेंगे सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a की जो वैल्यू है, a के मान को हम कहां पुट कर देंगे, समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -22 इज इक्वल टू, a की जगह क्या आ जाएगी, a की वैल्यू, तो यह आ जाएगा 38 - d + 5d, 5d हमारे पास यहां इसमें ऑलरेडी है, तो इसलिए ये भी हमारा यहां आ जाएगा। इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास जो है ये जो दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये नंबर है, नंबर को नंबर के साथ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -22, ये भी इधर आके -38 हो जाएगा इज इक्वल टू, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 5d में से 1d माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4d। सिंबल बड़े डिजिट का आएगा इसलिए प्लस हम लिखते नहीं है, तो 4d आ जाएगा। अब इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 10 का हो जाएगा 0, ठीक है। 1 कैरी 3 और 2 5 और 1 कैरी था तो 6, यानी कि 60 इज इक्वल टू 4d। अब हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d इज इक्वल टू 60/4, 4 की टेबल से 60 कटेगा 15 टाइम्स, तो दैट मींस d की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, सिंपली 15, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि सिंबल जो है बड़े डिजिट का आएगा, इसलिए -60 आएगा, एंड यहां भी माइनस रहेगा, और आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, -15 आएगा, ठीक है। अब जो है हमको क्या फाइंड करना था, हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, तो अगर हम सेकंड टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगा, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म 38 है, इसको माइनस कर देंगे कॉमन डिफरेंस में, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 38 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 में 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48, 48 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, उसमें a3 इज इक्वल टू जो सेकंड टर्म है उसमें प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है 15, तो यहां लिख देंगे 15, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 38 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 23। अब हमको a4 निकालना है, तो a4 के लिए क्या करेंगे, यहां पर a4 के लिए a3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a3 कितना है 23 प्लस, और कॉमन डिफरेंस कितना है -15, प्लस माइनस का माइनस, यानी कि इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 8, ठीक है, क्योंकि 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20, और 3 इसमें बच रहा है तो 23, यानी कि आपका 8 बचेगा इसमें। अब लास्ट a5 निकालना हमको, तो a4 प्लस कॉमन डिफरेंस, a4 कितना है 8 प्लस कॉमन डिफरेंस -15, ठीक है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो सिंबल बड़े डिजिट का आएगा, तो 15 के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 15 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। तो ये हमारे पास जो 4 टर्म हमको फाइंड करने थे, फर्स्ट टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म, तो वो हमने फाइंड कर लिए हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो एक्सरसाइज 5.2 है उसके जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके 3 पार्ट जो हमारे बचे हुए थे उनको हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी को कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।